स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इसरो एनआरएससी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए टेक्नीशियन बी के पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई थी, जिसका फॉर्म आप सब ने अगर भरा था तो उसके एग्जामिनेशन 2 मार्च 2024 को कंडक्ट कराए गए थे। तो जो आपका रिटर्न टेस्ट 2 मार्च 2024 को हुआ था, फाइनली उसका यहाँ पे जो रिजल्ट है वो जारी किया जा चुका है। रिजल्ट के साथ साथ आपका जो स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट रहेगा उसके बारे में भी यहाँ पे इंटीमेशन दिया जा चुका है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुए। आप लोग अपना रोल नंबर इसमें चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। टेक्नीशियन बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर है, टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इसके साथ साथ टेक्नीशियन बी फोटोग्राफी है। तो इन सब का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपने इसमें किस पोस्ट पे एग्जामिनेशन दिया हुआ था एंड आपका रिजल्ट में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट का PDF हो या वैकेंसी का PDF हो, हम टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करते रहते हैं। तो आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा। आइए यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल का डाउनलोड करके एक बार रिजल्ट देखते हैं एंड आप लोग भी अपना रोल नंबर इसमें डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं अगर आपने एग्ज़ाम दिया था। तो एक बार आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा आपने इसका एग्जामिनेशन दिया था या नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका 9/12/2023 को ये वैकेंसी जारी की गई थी 9 दिसंबर में एंड इसका मार्च के महीने में एग्ज़ाम कराया गया। एग्ज़ाम के बाद आप देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल में अगर देखें तो शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट, आपका रोल नंबर आपको दिख जाएगा, आगे आपको रिमार्क्स में दिख जाएगा कि आप स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट टाइप करके इस तरह से अपना रोल नंबर सर्च भी कर सकते हैं, तो आपको दिख जाएगा कि आप इसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं। अगर पूरा देखें इसमें कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो इलेक्ट्रिकल में कुल यहाँ पे 61 कैंडिडेट्स जो हैं शॉर्टलिस्ट किए गए हैं स्किल टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे डेट एंड वेन्यू जो है स्किल टेस्ट का वो आपका बहुत जल्द यहाँ पे इंटीमेट किया जाएगा, आपको उसके बारे में सूचना दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। जिन कैंडिडेट्स का रोल नंबर इसमें नहीं है, अगर आपने पेपर दिया था आपका रोल नंबर नहीं है, इसका मतलब आप शॉर्टलिस्टेड या क्वालिफाइड नहीं हुए हैं स्किल टेस्ट के लिए। तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और आप स्किल टेस्ट की अपनी बेहतर तैयारी कीजिए। आपका जो भी ट्रेड है उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स हैं, टूल्स के बारे में नॉलेज है, कुछ डिफिनेशंस हैं, थ्योरीज हैं, उन सबको अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आप वहाँ पर स्किल टेस्ट अच्छे से दे पाएँ। क्योंकि स्किल टेस्ट आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिलेक्शन आपका जो है इसी के बेसिस पे होगा, जो आपने मार्क्स स्कोर किए होंगे उसके बेसिस पे फाइनल आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन स्किल टेस्ट में पास होना जरूरी होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में चूंकि वैकेंसी ज़्यादा थी तो टोटल 195 कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। इलेक्ट्रिकल में आपके सिर्फ 61 शॉर्टलिस्ट हुए थे एंड अगर आपको हम नोटिफिकेशन दिखाएं वैकेंसी कितनी थी तो आइए वो भी देख लेते हैं और किस तरह का कंपटीशन यहाँ पर रहेगा स्किल टेस्ट में, उससे भी आप परिचित हो जाएंगे। अगर आप यहाँ वैकेंसी देखिए तो टोटल देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 33 पोस्ट है, यानी अप्रॉक्स अगर यहाँ पे आप देखें तो 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को लगभग यहाँ पे बुलाया गया है। अगर इलेक्ट्रिकल में देखें तो सिर्फ 8 सीट है बट बुलाया 61 गया है, तो यहाँ पे और ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। अप्रॉक्स अगर आप देखेंगे तो 8 टाइम्स यहाँ कैंडिडेट्स कह सकते हैं आप यहाँ पे बुलाया गया। इसी तरह आप देखें टेक्नीशियन भी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 9 सीट है और टेक्नीशियन भी फोटोग्राफी में सिर्फ 2 सीट है, टेक्नीशियन भी डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर की टोटल 5 सीट है, सॉरी 5 है यहाँ पे, राइट 2 सीट है सिर्फ, ठीक है। तो कुल 54 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं शॉर्टलिस्ट किए गए, बट अगर देखा जाए कंपटीशन वाइज तो इलेक्ट्रीशियन में ज़्यादा कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 8 है और शॉर्टलिस्टेड हुए हैं 61। तो आइए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और फोटोग्राफी में देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 9 सीट थी और 9 सीट के अगेंस्ट सिर्फ 47 कैंडिडेट्स, यानी लगभग 5 टाइम्स कैंडिडेट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए हैं। रीज़न इसके पीछे यह है कि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हुए होंगे जो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे अचीव ही नहीं कर पाए होंगे, इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं जिस भी ट्रेड से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसकी बेहतर तैयारी टेक्निकल एग्जाम की कीजिए। इसरो के एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग होता है आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो ये बेहतरीन नौकरी आपकी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 47 कैंडिडेट्स हैं 9 पोस्ट के अगेंस्ट में, यानी एक पोस्ट पे अप्रॉक्स 5 कैंडिडेट्स यहाँ पे फाइट करेंगे और जो शॉर्टलिस्ट होंगे फाइनल उनको फिर यहाँ पे ज्वाइन कराया जाएगा। यहाँ देखिए 5 टाइम्स कैंडिडेट्स का बोला गया था बट न्यूनतम 10 उम्मीदवार होने पे, ठीक है, मिनिमम कितने 5 टाइम्स, वहाँ रेशियो 5 में यहाँ शॉर्टलिस्टिंग ही की गई है। पहले वो बता दिया गया था कि यहाँ पे अगर 10 कैंडिडेट्स हैं तो लगभग 50 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो 9 हैं तो लगभग 45 होना चाहिए, वहाँ 47 हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन में 8 है, इसमें थोड़े से ज़्यादा कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हो गए क्योंकि 10 से कम है, तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया जिससे कि एक फेयर रहे, उनको एक
अच्छा मेरिटोरियस स्टूडेंट या कह लीजिए जो इनका जॉब करने वाला ट्रेनी होगा वो मिल पाए, सो दैट वहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है जब नंबर ऑफ पोस्ट कम होती है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो पूरा देखने के लिए, एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी के साथ, और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, जैसे स्किल टेस्ट की कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आप तक हम जरूर पहुँचाएंगे।